Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is P block element. Okay, so till now we learned about the atomic properties, physical properties and certain chemical properties. Atomic property mein jaise baat kare, apne baat kiya size ka, ionization energy ka, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टडी किया. देन वी टॉक्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने पढ़ा कि किस तरह से अगर वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ या H2O के साथ या हैलाइड के साथ तो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. सो हम देख रहे थे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स की अपन बात कर रहे थे. ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास तक अपन ने बोरेक्स स्टडी कर लिया है. यस और नो? सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू कंपाउंड दैट इज बोरोन हाइड्राइड. ठीक है, तो बोरोन हाइड्राइड का देखो जनरल फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट, पी एन एच एन प्लस फोर या बी एन एच एन प्लस सिक्स. यहाँ पे देखो एन की वैल्यू, लेट सपोज आपने कितना पुट किया, फोर, तो बी फोर एच कितना हो गया, टेन. फाइव पुट किया तो कितना हो गया, एच इलेवन. सिक्स पुट किया तो एच ट्वेल्व. या अगर इस फॉर्मूला में पुट करें तो बी टू एच कितना हो गया, सिक्स, B5H9. तो हमारे सिलेबस में जो डिटेल डिस्कशन है सिर्फ इसका है, दैट इज डाई बोरोन. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक जनरल, एटलीस्ट जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो बोरोन के हाइड्राइड हैं उनका दो फॉर्मूला लिख सकते हैं, पर बी एन एच एन प्लस सिक्स या एन प्लस फोर. ठीक है, टेट्रा बोरोन, फाइव कार्बन बोरोन है तो पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, इस तरह से. बोरोन हैव गेन इम्पोर्टेंस एज ए पोटेंशियल हाई एनर्जी फ्यूल इन अ व्यू ऑफ इन हाई हीट ऑफ कंबशन. जैसे कि आपने सुना होगा कि जो रॉकेट वगैरह होते हैं जिनको अपन स्पेस पे भेज रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी एफिशिएंट फ्यूल अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पेलोड की अपन बात करते हैं, ताकि इस तरह का फ्यूल यूज़ करते हैं जिसका कम मास है बट वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो उसमें से बोरोन के जो हाइड्राइड हैं वो एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रखते हैं. ठीक है, जैसे कि हाई एनर्जी एफिशिएंसी का क्या मतलब है, जैसे कि हम 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस को बर्न करें, मीथेन को बर्न करें, पेट्रोल को बर्न करें और बोरोन के हाइड्राइड को बर्न करें. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल होगा जो कि अपन यूज़ करेंगे कहाँ पर, रॉकेट्स वगैरह जो शिप होते हैं, स्पेस शिप. इट इज़ अ बेटर फ्यूल देन दी हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल, सी एन जी, एल पी जी एटसेट्रा. द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ डाइबोरोन इज मच हायर देन ऑफ इथेन. जैसे कि बता रहे थे हीट ऑफ कम्बशन का, इथेन का मोलिक्यूल क्या हो गया, सी टू एच सिक्स, और डाइबोरोन क्या हो गया, बी टू एच सिक्स. तो दोनों का सेम मास लें तो ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा अपने को, डाइबोरोन. ओके, सो सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड इज डाइबोरोन. उसी के बारे में डिटेल अपने को डिस्कशन भी रखता है 12th के स्टैंडर्ड पे. ठीक है, इट इज प्रिपेयर, इसके देखो प्रिपेयरिंग के क्या क्या मेथड है. तो एक नॉर्मल प्रिपेयरिंग मेथड, एक इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयरिंग मेथड है, तो दोनों को अपन डिस्कस करते हैं. सो बी एफ थ्री की रिएक्शन करा दो आप एल आई एल एच फोर से. एल आई एल एच फोर क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ये हाइड्रोजन एड करवाएगा इसमें, हेलोजन को बाहर निकालेगा इन अ प्रेजेंस ऑफ वॉट, डाई इथाइल ईथर. तो बी एफ थ्री किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, बी टू एच सिक्स में. साथ में क्या क्या बनेगा, एल आई एफ और ए एल एफ थ्री. ओके, तो सीधा से याद रखना है बोरोन का अपन ने क्या लिया है, हैलाइड लिया है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, उसकी रिएक्शन करा रहे हो आप एल आई ए एल एच फोर से, तो क्या बनेगा, डाइबोरोन. दूसरा है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड कि ऑक्सीडेशन करा दे अपन किसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड का विद इन अ प्रेजेंस ऑफ वॉट, आई टू. तो क्या बन जाता है, अगेन बी टू एच सिक्स, एन ए आई एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाती. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेथड में हम सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा दे किससे, बोरोन ट्राईफ्लोराइड से एट 450 केल्विन टेम्परेचर पे. तो क्या बन जाता है, अगेन बी टू एच सिक्स और एन ए एफ. ओके, सो दीज आर दी थ्री मेजर मेथड यू नीड टू रिमेंबर. अच्छा, इन तीनों रिएक्शन को अपने को बच्चे याद भी रखना पड़ेगा. ठीक है, तो दो रिएक्शन में तो देखो बी एफ थ्री है यहाँ पे भी, और इससे पहले वाले में दो मेथड में, तो इस केस में तो इसकी रिएक्शन करा रहे अपन एन एच से. ठीक है, और इससे पहले वाले मेथड में अपन रिएक्शन करा रहे थे इसकी एल आई ए एल एच फोर से. ठीक है, तो दोनों याद रखना भी आसान रहेगा. ओके, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की. तो देखो बच्चे, प्रॉपर्टीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहां पे क्वेश्चन हमसे बनते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज में तो कई सारी प्रॉपर्टी है, बट अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसकी स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको अपन ने बोला था बनाना बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है किसी को,
देख भी सकते हैं आप, ये BH3 का मॉलिक्यूल, ये BH3 का मॉलिक्यूल, ये वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं, ब्रिज्ड हाइड्रोजन इनको बोलते हैं, या बनाना बॉन्ड इसको बोलते थे। इसका एक और नाम क्या है, किसी को रिकॉल कर पा रहे हो? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, 3 हमारे पास एटम है और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, 2, जो कि अपन प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। सो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस गैस विद अ फॉल स्मेल, इट इज स्टेबल एट ए लो टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ ग्रेस एंड मॉइस्चर, एट द हाई टेम्परेचर इट डिसकम्पोज टू गिव अदर हाइड्राइड ऑफ बोरोन, इट इज अ डाइमर ऑफ BH3 विच डज नॉट एग्जिस्ट एट द मोनोमर। BH3 का जो मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, BH3 डाइमर B2H6 की फॉर्म में। अगर B2H6 की रिएक्शन करा रहे अपन H2 से तो क्या बनता है बच्चा, H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो याद रख सकते हैं क्या, अगर इसका हाइड्रोलिसिस किया है तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस वहां से क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। प्रॉपर्टी याद रखनी है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ओके, कलरलेस हाई टॉक्सिक गैस बॉइलिंग पॉइंट एट दिस टेम्परेचर, कंबसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो कंबसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसी को क्या बोले, कंबशन, मतलब जलाना उसको। सो इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू द एयर, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। देख सकते हैं आप, इसके 1 मोल को अगर आपने लिया है तो अराउंड 1976 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही बच्चा, लिबरेट हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, अगर हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बनेगा, बोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ये पढ़ चुके अपन। नेक्स्ट, रिएक्शन विद लुईस बेसिस। देखो लुईस बेसिस के साथ ये रिएक्ट क्यों करेगा, तो यहाँ पे देखो हमने जब B2H6 का जब फॉर्मेशन की बात की थी तो BH3 से B2H6 बना क्यों था, क्योंकि बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरोन के पास क्या, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल था, और अगर इसके एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में देखो यहाँ पे इसने अपने 2p ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, और इस वाले ने अपना कंप्लीट करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था। तो यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, स्पीसीज कैसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहेगी, बोलो हाँ कि ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलेंगे लुईस एसिड। यानी कि B2H6 किससे तरह बिहेव करता है स्टूडेंट, लुईस एसिड। तो किससे रिएक्ट करेगा, खुद से बोलो, लुईस बेसिस। जैसे कि कोई भी अमाइन ले लो, ठीक है, तो आपने लिया है ट्राईमिथाइल अमाइन, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर इस बोरोन को ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेगा, इसको बोलते हैं एडक्ट। ठीक है, बोरोन क्या बोलते हैं इनको बच्चा, एडक्ट। एडक्ट में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अच्छा, नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में, बोरोन में जाएगा 2p में, नाइट्रोजन से भी आता है 2p से। कार्बन मोनोक्साइड से भी रिएक्शन करा रहे हैं तो भी हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट, एडक्ट बनेगा, बोरोन का एडक्ट। ओके, अच्छा अमोनिया, देखो अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो अगेन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बोरोन के 2p ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर शेयर करेगा, तो बनेगा एडक्ट टाइप से स्पीशीज। अब यहाँ पे देखो तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बोरोन है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि हमने कई सारे अमोनिया मॉलिक्यूल लिए हैं, तो सबसे पहले 2 अमोनिया मॉलिक्यूल अपना एक एक लोन पेयर पुट कर देंगे बोरोन के उसमें, यानी कि शुरू में 2 NH3 के मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गए B2H6 से, फिर फर्दर इसकी रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो ये कंपाउंड बनेगा, फर्दर रिएक्शन कराते हैं, तो लास्ट में अपन याद रखना है क्या कि आप एक्सेस ऑफ अमोनिया आपने लिया है तो क्या बनता है B3N3H6, और इसे को क्या बोलते हैं, बोरा जोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक बेंजीन। साथ ही साथ यहाँ पे 12 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, लाइक अ बेंजीन। देखो बेंजीन में 6 मेंबर का रिंग होता है, यहाँ पे भी 6 मेंबर का रिंग है, हर एक मेंबर पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे भी हर एक मेंबर पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन अपने इस तरह से लोन पेयर पुट कर देगा किसको, बोरोन को, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोले स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो
अमोनिया से रिएक्ट करेगा क्यों? पहली बात, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, लुईस एसिड है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अगर एक्सेस अमोनिया रखा है आपने तो लगातार ये धीरे धीरे अटैक करता है, अटैच होता रहेगा। फाइनली अगर आपने हीट कर दिया इसको 473 केल्विन पे, तो किसका फॉर्मेशन होता है? स्टूडेंट, बोराजोल का। ओके, देख भी सकते हैं आप, बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसको बोल रहे हैं। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड में याद रखना है कि कोई भी हमारे पास हाइड्राइड होता है तो हाइड्रोजन अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जैसे कि LiH, तो Li का तो Li प्लस और H पे क्या माइनस। ठीक है, सो मेटल हाइड्राइड रिएक्ट विद डाइबोरोन टू फॉर्म टेट्रा हाइड्रो बोरेट और बोरोहाइड्राइड्स भी इसको बोल रहे हैं। तो डाइथाइल की ईथर की प्रेजेंस पे इसके रिएक्शन अपन करा रहे हैं मेटल हाइड्राइड से। तो ये M हाइड्रोजन दिया इसने H माइनस के फॉर्म में, तो कनेक्ट हो जाएगा किससे? इस देखो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं अपन कि हमारे पास जो BH3 था उसके दो मॉलिक्यूल ने आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन किया है? B2H6 का। क्यों ऐसा किया था? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब ये BH3 की एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी क्या है? किसके पास एम्प्टी 2p ऑर्बिटल? इसके पास क्या है? एक एम्प्टी 2p ऑर्बिटल है। किसके पास? BH3 के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, इस मेटल के हाइड्राइड ने जो H माइनस दी है, यानी कि हाइड्रोजन स्पीसीज पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये BH3 के 2p ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर पुट कर देगा। BH3 था, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? BH4 माइनस। ठीक है, आपने ऐसे दो स्पीसीज लिए हैं तो दोनों के दोनों BH3 यूज हो गए, तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? BH4 माइनस बनाएंगे, और मेटल पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बन गया हमारे पास मेटल बोरोहाइड्राइड, इसको बोलेंगे। ठीक है, लिखना सीख गए इसको, आ जाओ। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड में दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि LiH अपन ने ले लिया है, तो क्या बनेगा? 2LiBH4 माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज है। सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया, तो ये सोडियम और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको बोलेंगे, लिथियम बोरोहाइड्राइड इसको बोला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कि डायरेक्टली भी आपसे पूछा जाता है कि डाइबोरोन किस किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। ठीक है, तो देखो H2 के साथ करेगा, HCl इन AlCl3, AlCl3 भी अपने आप में क्या है? लुईस एसिड। तो अगर एसिडिक मीडियम में इससे रिएक्शन करा रहे तो भी यहाँ पे क्या होगी? HCl गैस रिलीज होगी। ठीक है, सो ऑल दीज एग्जाम्पल यू नीड टू रिमेम्बर। KOH के साथ भी क्या हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, NH3 के साथ भी ये क्या करेगा? बोराजोल और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रही है? स्टूडेंट, लिबरेट हो रही है। ओके, नेक्स्ट यूजेस ऑफ डाइबोरोन। तो यूजेस में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, रॉकेट फ्यूल की तरह इसको यूज करते हैं, या उन इंडस्ट्री में यूज कर लेंगे जहां पे काफी एफिशिएंट फ्यूल आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो इट इज यूज इन अ कैटलिस्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ रिएक्शन, इट इज used as a reducing agent in organic reaction, कुछ reaction organic reaction में as a reducing agent भी इसको अपन use करते हैं। It is used in a making high energy fuel and the propellants, preparing hydrocarbon, alcohol, ketone and acid through hydroboration method. पढ़ते हैं इसको अपन organic chemistry में। Okay, बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसे कि अपन ने अल्काइली मेटल जब एस ब्लॉक स्टडी किया था, और जब तो वहाँ पे भी अपन ने देखा था कि सर्टेन एलिमेंट का आपको यूज भी रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। जैसे कि हमने बात किया था अल्काइली मेटल में सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से बोरोन के क्या क्या यूजफुल वो है एप्लीकेशन। सो बोरोन फाइबर हैव एनॉर्मस टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज वाई दे आर यूज इन अ बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड अ लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर द एयरक्राफ्ट। जो बुलेट प्रूफ वेस्ट जो बनता है तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए, ऑब्वियसली ये बुलेट को होल्ड करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ इसकी प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, इसकी क्या होती है? बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है, दैट इज वाई यूज एज अ बुलेट प्रूफ जो भी अपन वेस्ट फॉर्मेशन करते हैं उनके लिए। बोरेक्स एंड बोरिक एसिड आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लासेस। बोरोन 10 आइसोटॉप यूज इन अ न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज अ कूलेंट रोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चा इसकी, बोरोन की, जो कि अपन जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में
जब यूरेनियम का अपन डिकम्पोजिशन करते हैं तो वहाँ पर जो चेन रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ओवन सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, उसमें से वन ऑफ दी सब्सटेंस क्या है, B10 बोरोन का 10 वाला आइसोटोप, ठीक है। बोरोन इज ऑल्सो यूज इन स्टील इंडस्ट्री फॉर द इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ स्टील। देखो जो स्टील होती है उसमें वेरियस परसेंटेज होता है कार्बन का, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन स्टील को क्या कर सकते हैं, हार्ड या ठीक है उसकी स्ट्रेंथ को अपन वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो बोरोन सब्सटेंस को आप यूज कर सकते हो उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए। यूज ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यूज फॉर द मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल ट्रेस फ्रेम्स, घर में भी अपन यूज करते हैं एल्यूमिनियम के, तो ये इसको आप स्किप कर सकते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल इन द फॉर्म ऑफ फॉइल्स ऑफ रेकिंग सिगरेट्स चॉकलेट एटसेट्रा, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, यूज अपन जानते हैं इसका। एलोए की आप प्रिपरेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम का जो यूज करते हैं अपन एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं उसका फॉर्मेशन करने में, क्योंकि आपको एक बेसिक सा आइडिया होगा कि एयरक्राफ्ट में अपन वो मेटल यूज करेंगे जिसका डेंसिटी काफी क्या है, कम है, हल्की है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यूज in a formation of aircraft part. It is also used a deoxidizer for the removing blowhole in a metallurgy. Okay. Next. It is used in the thermite process for the extraction of iron, chromium, Mn. Used in a chemical plant and the transporting nitric acid since it is not attacked by the nitric acid. Although aluminium react करता है acid से भी base से भी, but nitric acid से अगर ये react करता है, इससे भी रिएक्ट करता है ये, बट वहां पे क्या करेगा, ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि फर्दर इसको अटैक से बचाएगी। समझ में आ रही बात कि सर आपने तो पढ़ाया था कि एल्यूमिनियम तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रही है, तो सर नाइट्रिक एसिड है इससे भी तो रिएक्ट करेगा ना, हाँ रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि आपने बकेट लिया इसका, सॉरी एल्यूमिनियम का बना हुआ ये कंटेनर है, तो रिएक्ट करेगा और इसका ये वाला जो इनर पार्ट है ना वहां पे क्या बन जाएगी, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अभी बाकी वाला जो ग्रीन पार्ट है वो बच गया, ठीक है। दैट इज वाई जो अपन इसको कैरी करना है तो अपन उसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में कैरी कर सकते हैं, किसको, नाइट्रिक एसिड को। इट इज यूज इन पेंटिंग आयरन सरफेस इन अ प्लेस ऑफ टिन एंड जिंक, एल्यूमिनियम पाउडर प्लस NH4NO3 इज कॉल्ड एज अमोनल, इट इज एक्सप्लोसिव कंपाउंड। नेक्स्ट फाइनली बात कर लेते हैं अपन क्या, कार्बन फैमिली मेंबर्स की, ठीक है। तो कार्बन फैमिली मेंबर किस ग्रुप में बिलोंग करेंगे बच्चा, बेसिकली ये बिलोंग करते हैं कहाँ पे, 14th ग्रुप, ठीक है। तो कार्बन फैमिली में क्या क्या मेंबर आ गए, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, Sn, टिन एंड लेड, दीज आर दी कार्बन फैमिली मेंबर, ओके। नाउ अबेंडेंस आप याद रख सकते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट होती है इन सभी एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट, सिलिकन होता है। सिलिकन मोस्टली उसकी कौन सी फॉर्म में होता है, सिलिका, रेत वगैरह की जो बात करते हैं ना, Si2O, SiO2, SiO4, ठीक है। सो उसके सिलिकन का बेसिकली ऑक्साइड अवेलेबल होता है इन अर्थ क्रस्ट। कार्बन एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री स्टेट ऑल्सो इन अ कंबाइंड स्टेट, सिलिकन एग्जिस्ट इज सिलिका एंड सिलिकेट जिसके मैं बात कर रहा था, रेत वगैरह जो अपन बहुत अगर हिंदी में यूज करें उसको। तो टिन एग्जिस्ट इज अ कैसेट राइट और टिन स्टोन SnO2, लेड एग्जिस्ट इज अ गैलिना PbS, ये याद भी रखना है आपको PbS का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्टूडेंट आजकल तो एग्जाम में मोस्टली मेटलर्जी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड का उसका और क्या होगा, ठीक है, और या मिनरल्स की बात पूछी जाती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कार्बन फैमिली के मेंबर हो गए, इनका जो जनरल को अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो वो लिख सकते हैं आप NH2NP, NH2NP2, यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या हो जाए, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाए NH2NP2। जैसे कि एक का जनरली देखो याद रखने का मेथड क्या है कि फर्स्ट मेंबर का तो अपन पूरा एटॉमिक नंबर भी अपने को सबको पता होता है, तो फर्स्ट मेंबर का तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही लिख दिया करो इस तरह से। जैसे कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया अपन ने, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पे खुद से बोल वैलेंशियल कौन सा है, सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी फिलहाल, सेकेंड, तो 2s2 2p2,
तो डायरेक्ट बोल सकते क्या, सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, अभी बोलो 3s2 3p2, यहाँ पे 1s2 को जगह लिख सकते हैं अपन हीलियम, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन क्या लिख दें, नियोन लिख दें। देखो नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ये कितने 14। यस, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता भी कितना है स्टूडेंट, 14 ही होता है, बाकी में तो आसान है। 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2 हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है, तीन का अपन ने लिखा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली आपको पता होना चाहिए वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, तो सभी में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितने हैं, 4 है। और आपको पता भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप 6th क्लास से, क्या एक कार्बन टेट्रावेलेंट एक एलिमेंट है। टेट्रावेलेंट क्यों बोल रहे हैं, देखो इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4, ठीक है, तो टेट्रावेलेंट क्यों, क्योंकि वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, अदर 6 भी बना सकते हैं। तो बोलो इसका तो यहीं पे रीजन पता लग गया अपन को कि इसमें 2d नहीं है, तो 2d नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है, 4। बाकी एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो वही सारी बात हो जाएगी यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली भी है ना, कि ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, तो सभी का बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +4, बट इनमें से कुछ का +2 भी चलेगा। अगेन पी ब्लॉक एलिमेंट में जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बताइए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है, तो वो बाद में करेंगे विषय अपन डिस्कस। फिलहाल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मतलब अपन कई सारी इन्फॉर्मेशन को बता सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो जैसे ऑक्सीडेशन नंबर पे बात कर ली, उसकी वैलेंसी पे अपन बात कर लेंगे, ठीक है, कितने वो बॉन्ड बना सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की। टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो यहाँ पे एटॉमिक या आयनिक रेडियस में बच्चा कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। बोरोन फैमिली में तो एक्चुअली हाँ एक्सेप्शन था कि एल्यूमिनियम और गैलियम में अपन जा रहे थे, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता, बढ़ता है, बट हम क्या देख रहे थे कि जो गैलियम का साइज है वो तो एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे तो रीजन था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे नहीं होता क्या, यहाँ पे होता है, बट वो लेस इफेक्टिव होगा बच्चा। यहीं पे बता देते हैं क्या कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जिसको अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके पहले ही, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक की अगर बात करें तो ये डिक्रीज होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, बोरोन फैमिली में, फिर कम, फिर यहाँ पे सबसे कम, और फिर उसके बाद तो अपन कंसिडर ही नहीं करते इसको। और टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है, टॉप टू जो बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि बोरोन फैमिली में अगर बात करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, थेलियम में सबसे स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कम, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगा। जहाँ पे भी देखो कार्बन फैमिली तो यहाँ आ गई, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोरोन फैमिली से क्या होगा, कम। तो यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं कि साइज में कोई वेरिएशन उतना खास नहीं है, ओके, सॉरी क्या, टॉप टू बॉटम जा रहे तो इनकी वैल्यू बढ़ रही है, तो साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयनाइजेशन, एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी की। देखो अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे, अगर हम कहां पे मूव कर रहे, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे, तो साइज तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे अभी अपन ने देखा भी सही कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग नीचे होगा, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली तो डिक्रीज होगी, बट SN और PB में बात कर ले तो इसकी जो PB की आयोनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली क्या होती है बच्चा, ज़्यादा हो जाती है किससे, SN से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही ना कॉन्सेप्ट, टॉप टू बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पे होगा, लेड में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं होता ऑल दो, बट फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी SN और PB में PB की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो ये अपन ऑर्डर याद रख सकते हैं। इसका रीज़न क्या होगा स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, PB, F और वाइटल का भी फिलिंग होने लग गया है D के साथ साथ, इसलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करें तो टॉप टू बॉटम जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, देख भी सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो
इसकी टू पॉइंट इसकी तो वैल्यू भी अपन को याद रख सकते बच्चा पी ब्लॉक एलिमेंट में. जैसे कि अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लेफ्ट टू राइट हम पीरियडिक टेबल में जब मूव करते हैं किसी भी पीरियड में तो शुरू वाले जो एलिमेंट होता है होते हैं जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट एल्काइली मेटल अल्कलाई अर्थ मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट तो इसमें तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की क्योंकि इनकी तो जनरली क्या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की तो उनका तो अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. बट अगर नॉन मेटल्स की बात करें जैसे कि कार्बन हो गया या नाइट्रोजन हो गया तो इनके अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूजफुल और एक प्रॉपर्टी अपन बताएंगे जिसके बेसिस पे अपन कई सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप इनको याद भी रख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को. तो इसकी ज़्यादा इनकी तीनों की ऑलमोस्ट क्या होती है बच्चा इक्वल होती है और लेड की वापस से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज़्यादा. अगेन इसका एक्सप्लेनेशन अपन बोल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन सॉरी इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके देयरफॉर कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट इन अ 14th ग्रुप एलिमेंट. ओके बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की. ऑल द ग्रुप 14 एलिमेंट आर सॉलिड. देखो आप खुद से भी याद रख सकते हैं सभी को पता भी कार्बन सॉलिड में होता है तो बाकी तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड में होंगे. कार्बन सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल ये हो गए मेटलोइड. सिलिकॉन को भी जनरली अपन नॉन मेटलोइड में कंसीडर कर लेते हैं ठीक है तो ये यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे नॉन मेटल या मेटलोइड दोनों में इसको कंसीडर कर सकते हैं अपन सिलिकॉन को. डाउन द ग्रुप देर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट डेंसिटी इंक्रीजेस. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट डिक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे याद रखना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. देखो कार्बन यहाँ पे सिलिकॉन यहाँ पे बाकी मतलब सिलिकॉन का पोजीशन सिर्फ याद रख लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा तो हुआ कार्बन का और SN आ जाता है सेकेंड लास्ट. बाकी ओवरऑल क्या हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ठीक है. दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जा रहे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है यानी कि कार्बन का सबसे ज्यादा फिर आना चाहिए था सिलिकॉन का बट सिलिकॉन को याद रखना है सिलिकॉन सेकंड लास्ट है तो सिलिकॉन के बाद क्या आएगा बोलो जर्मेनियम फिर टिन फिर लेड ठीक है याद हो गया. डेंसिटी की बात करें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन तो लगातार यहाँ तक तो क्या हो रहा है कार्बन से सिलिकॉन में डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है स्टूडेंट डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा लेड का और सबसे कम क्या हो जाएगा बच्चा सिलिकॉन का. ओके सो जनरली मैं शायद पिछले क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया था इस ब्लॉक एलिमेंट में जो फिजिकल जहाँ पे प्रॉपर्टीज के अपन बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उनमें ऑलमोस्ट सब जगह पे कहीं ना कहीं वेरिएशन हो रहे हैं अल्काइली मेटल में भी थे अल्काइली अर्थ मेटल में भी है ना. तो इस तरह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं ना उनको एग्जामिनर जनरली नहीं पूछते हैं और यही ट्रेंड भी है लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन चेक कर लो आप ठीक है. बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो फिर क्वेश्चन बन सकता है बट यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं इस तरह से तो इन पे जनरली क्वेश्चन नहीं बनते. ओके फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट बात कर लेते हैं अपन क्या दे हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट द 13th ग्रुप बिकॉज लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ड्यू टू इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज एंड द मोर कॉम्पैक्टनेस. साइज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है साइड अगर डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या है बाउंड है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अगर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट बढ़ेंगे. ओके बात कर लेंगे इसके क्या ऑक्सीडेशन नंबर की ठीक है. देखो टोटल वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट 4. अगर 4 वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन है तो दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे जनरली प्लस 4 और प्लस 2 भी रख सकते हैं. प्लस 2 कौन से रखेंगे बोलो जो कि जहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा टॉप टू बॉटम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल. तो टॉप टू बॉटम सबसे नीचे कौन है लेड पीबी तो पीबी का तो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा किससे स्टूडेंट प्लस 4 से. रीजन क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट काफी लॉन्ग डिस्कशन अपन ने किया था सो नाउ यू कैन इजीली रिकॉल दैट ठीक है. बाकी जो भी जनरल पर दोनों तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं अपन प्लस 2 भी लेते हैं प्लस 4 भी लेते हैं ठीक है स्टूडेंट. और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अपन यहाँ पे कई तरह के कंपाउंड्स का एक्चुअली डिस्कशन भी रख सकते हैं जैसे कि हमारे पास
जो जैसे पीबी के दो तरह के कंपाउंड है, एक तो है पीबीओ, एक है मेरे पास क्या पीबीओ2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि इन दोनों में इस पीबीओ2 का क्या नेचर है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखो PbO2 में PB पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट +4। अब इसकी तो क्या टेंडेंसी होगी, +4 से कहाँ पे जाने की बच्चा, +2 पे जाने की, ठीक है, +4 से +2 पे जाने की, यानी कि इसका खुद का क्या हो रहा है यहाँ पे +2, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि खुद का क्या हो रहा है बच्चा रिडक्शन। अगर खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम बोल सकते हैं PbO2 इज अ व्हाट, ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस और नो भाई। इसकी +4 में है ना PB, ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे कितना -4, तो PBO कितना +4, तो +4 तो हाईली अनस्टेबल है PB में ड्यू टू व्हाट इनर्ट पेर इफेक्ट। तो +4 से कहाँ पे जाएगा +2 में, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन, खुद का रिडक्शन तो दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया है कभी तो JEE में, ओके। सो हमें कोई कॉन्सेप्ट अगर पता है तो उसके एप्लीकेशन से बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, ठीक है। तो इसके अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी में अभी अपने को यही पढ़ना है, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड बेस, अभी एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में भी यही किया था, बोरोन फैमिली में अपन ने यही किया था। तो केमिकल रिएक्टिविटी में इन डिफरेंट तरह के सब्सटेंस, अपन उस कार्बन फैमिली के मेंबर की रिएक्टिविटी देखेंगे और वहाँ पे कुछ देखेंगे अपन सर्टेन कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टी। जैसे कि एक तो अपन ने देख भी लिया है ना कि जो हमारे पास लेड का जो ऑक्साइड है PbO2, ये अपने आप में क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेर इफेक्ट के बेसिस पे अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू क्लास ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।